सच्ची घटना बता रहा हूँ। एक बंदा इतना परेशान था कि जिंदगी से हार चुका था, सारी दुनिया उसके खिलाफ थी, बीवी बच्चों ने भी ताना मारना शुरू कर दिया, उसका धैर्य जवाब दे गया और उसने मन बना लिया कि अब नहीं जीऊंगा, आज रात को अपनी जिंदगी खत्म कर दूंगा। घर से निकला, अंधेरा था, रात का समय था, जीवन खत्म करने के लिए निकला। अचानक उसे एक आवाज सुनाई पड़ी, हारे के सहारे की। उसने सोचा ये मुझसे बड़ा हारा तो कोई है ही नहीं आज के समय में, ये हारे का सहारा कोट पैदा हो गया। उस आवाज के पीछे पीछे चला गया, जाकर देखा बहुत बड़ा दरबार लगा है, लोग पागलों की भांति तालियां बजा रहे हैं, जयकार लगा रहे हैं, हारे के सहारे की जय गा रहे हैं। पीछे बैठ गया, सारी रात कीर्तन चल रहा था। उसने देखा जो दरबार लगा था सिर्फ बाबा का शीश था, भगवान का शीश, हाथ नहीं थे, पांव नहीं थे। उसने कभी श्याम जी का नाम भी नहीं सुना, कभी दर्शन भी नहीं किए, कभी फोटो भी नहीं देखी। लोगों से पूछा ये कौन है, लोगों ने कहा ये वो देवता है जो हारने वालों का हाथ पकड़ता है। उसको विश्वास, उसका लगा कि मेरा आज काम बन सकता है। सारी रात कीर्तन में बैठा रहा और सुबह सुबह आरती के तुरंत बाद उसने लोगों से ठिकाना पूछा और चल पड़ा खाटू गली। खाटू बाबा के दरबार में पहुंचा और वहां पहुंचकर सारे रास्ते सोचता आया ये कहूंगा, ये कहूंगा, वो कहूंगा, लेकिन जब बाबा के मंदिर की पहली सीढ़ी पर चढ़ा सब कुछ भूल गया और बाबा के सामने पहुंचा, देखता रह गया, आंखों से आंसुओं की धार बहने लग गई। अचानक उसे लगा कि आवाज आ रही है, अरे पगले कुछ बोलेगा भी या रोता ही रहेगा। तब उसने चित्कार लगाई और कहा लाख चाहो मगर बात बनती नहीं, क्या करो नाव भटके मेरी पार लगती नहीं, क्या करो कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवार, कैसे नैया होगी पार, टूट गई पतवारो श्याम अब हाथ तो आके लगा जा। जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, जाने कहाँ कहाँ पर भटका तेरा दीवाना, दरिये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, दरिये तुम्हारा बाबा मेरा आखिरी ठिकाना, जिस पे किया भरोसा उसने
प्रॉफिट तू रख लियो, काम कर, उधार माल मिला। पहले दिन सोच कर निकला कि सुबह निकल रहा हूँ, पता नहीं रात तक कितना बिकेगा। चार घंटे में सब कुछ बिक गया, खुशी खुशी आया। एक हफ्ते के अंदर में बाबा ने दुनिया बदल दी। दसवें दिन वो फिर बाबा के दरबार में दौड़ कर गया। लेकिन अब की बार जब बाबा के दरबार में गया, अब की बार उसने कुछ मांगा नहीं, दशा नहीं बताई, बल्कि पहले सीढ़ी पर कदम रखते ही चिल्लाना शुरू कर दिया, बाबा तू बता कौन है, तू बता कौन है। जब से तेरे दरबार से गया, मेरा जीना मुश्किल हो गया। रात को सोता हूं तो नींद नहीं आती, और सारे दिन तेरे दरबार का नजारा मेरी आंखों के सामने घूमता रहता है। बिन देखे तुझे सुन ले करुण पुकार, हारे के सहारे।